दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन में डेस्कटॉप पर दिस पीसी रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल नेटवर्क और यूजर्स फाइल्स का आइकन शो ना हो तो किस तरह से हम उसे शो करेंगे। यहाँ पर मैंने विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि कोई भी आइकन दिस पीसी कंट्रोल पैनल रिसाइकल बिन नेटवर्क या यूजर्स फाइल्स का आइकन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से सेटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो सेटिंग की विंडो है वो इस तरह से ओपन हो, तो इसे सबसे पहले मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे बाईं तरफ, तो यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही राइट साइड में बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आइकन आपको डेस्कटॉप पे शो करना है उसे आप चेक कर देंगे। यहाँ पर मुझे सभी को शो कराना है, तो यहाँ पर सभी को चेक करके नीचे बिल्कुल आपको अप्लाई का ऑप्शन शो होगा, तो इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करके इस विंडो को क्लोज कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि आपको दिस पीसी कंट्रोल पैनल रिसाइकल बिन नेटवर्क और यूजर्स फाइल का ऑप्शन यानी कि आइकन आपको दिखाई देने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।